देखो इस बिटिया की उड़ान, नीदरलैंड में रोशन करेगी शादी का नाम। हॉकी का कमाल दिखाएगी रितिका, अंतर्राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी टीम में हुआ चयन। बचपन से ही तंग हाली में पली बड़ी रितिका ने जो कर दिखाया है वह झांसी और देश के लिए बड़े गौरव की बात है। रितिका 9 से 18 अक्टूबर तक नीदरलैंड में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। मऊरानीपुर में स्वीट नाइट में हुए बवाल पर सीओ हटाए गए। मऊरानीपुर में मिला जल विहार के दौरान बृहस्पतिवार की रात हुई बवाल की गाज मऊरानीपुर सीओ पर गिरी है। एसएसपी ने सीओ को हटा दिया है, उनकी जगह मौत के सीओ को भेज दिया गया है। वहीं पूरे मामले में जांच भी बैठा दी गई है। झांसी में बुलडोजर चलाकर हटाया 50 साल पुराना कब्जा। झांसी में नगर निगम ने शनिवार को बुलडोजर चलाकर 50 साल पुराना कब्जा हटाया है। दरअसल रानी महल के पास कोतवाली हुआ करती थी। 50 साल पहले कोतवाली दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, मगर पुलिस वालों ने आवास नहीं छोड़े। नजूल की जमीन पर बने आवासों को खाली करवाने के लिए नगर निगम ने पिछले दिनों नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद मकानों को खाली करवाया गया और उन पर बुलडोजर चला दिया गया। झांसी में ट्रक मालिक की पेड़ पर लटकी मिली लाश। ट्रक में महाराष्ट्र के लिए लोड मूंगफली गायब हुई थी, तो ढूंढते हुए घर पर पहुंचा था ट्रांसपोर्टर। झांसी में शनिवार को ट्रक मालिक की लाश एक पेड़ पर लटकी हुई मिली। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतक के ट्रक में 4 दिन पहले मूंगफली लोड हुई थी जो कि महाराष्ट्र जानी थी, लेकिन वो बीच में ही गायब हो गई। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में 100 से ज्यादा छात्राएं शामिल। गायत्री पीठ शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन शनिवार को दोपहर 12 बजे शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल उन्नाव में किया गया। परीक्षा के दौरान विद्यालय की 100 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। उन्होंने ओएमआर शीट्स पर प्रश्न पत्र को हल किया। वीरांगना अवंती बाई लोधी की प्रतिमा का किया गया अनावरण। शनिवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भांडे रोड स्थित देहात थाने के सामने चौराहे पर अमर शहीद वीरांगना अवंती बाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही भांडे चौराहे को अब अवंती बाई लोधी चौराहे के नाम से जाने पहचाने जाने की घोषणा भी की। औद्योगिक केंद्रों की आड़ में प्लॉटों में गोरख धंधी का आरोप। निवाड़ी जिले के निवाड़ी भाटा में शासन के स्थापित किया औद्योगिक केंद्र के प्लॉटों में उद्योग स्थापित नहीं होने के चलते निवाड़ी के भाजपा जिला महामंत्री रोहन राय ने एमएसएमई उद्योग आयुक्त पी नरहरि को पत्र लिखा है। रोहन राय ने जिले में जितने भी केंद्र बने हैं सभी को जांच के दायरे में लेने की बात कही है। हैदराबाद के स्टेडियम में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान मारपीट। हैदराबाद पुलिस ने बताया कि एलबी स्टेडियम में एक प्रतियोगिता के दौरान मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान दो पहलवानों के बीच बहस हो गई थी, जो धीरे धीरे लड़ाई में बदल गई। इसके बाद दोनों पहलवानों के समर्थक भी एक दूसरे पर टूट पड़े। महादेव ऐप मामले में फंसे सितारों पर कंगना का तंज। महादेव ऐप मामले में ईडी का शिकंजा कई बड़े सितारों पर कस चुका है। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हिना खान, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, इन सबको ईडी ने समन भेज पूछताछ के लिए भी बुलाया है। इस बीच कंगना रनौत ने इन सब सितारों पर एक कंज कसा है। कंगना ने कहा कि ये एंडोर्समेंट एक साल में मुझे कई बार अप्रोच कर चुका है। आज भारत अपने विश्व कप अभियान की करेगा शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पेश करेंगे चुनौती। कप्तान रोहित शर्मा की भारतीय टीम आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में अपने वनडे विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगी। उसके सामने 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की चुनौती होगी। भारत की बल्लेबाजी जहां विश्व स्तरीय है, तो ऑस्ट्रेलिया का तेज आक्रमण कुछ कम नहीं है। ऐसे ही अपने आसपास की देश विदेश की स्पोर्ट्स और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जल्द से जल्द जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।